चेहरा बचा के। नमस्कार, जय हिंद। और अभी हम लोग बिलासपुर के खमतराई एरिया में आए हुए हैं और यहाँ का जो नजारा है उसको मैं ही क्या बयां करूंगी आपको, कि चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर का नजारा ही क्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कबूतर हैं और यहाँ के जो घर वाले हैं वो इन जीवों को अपने इच्छा के लिए इतने प्यार से पाल के रखते हैं। इसके अंदर यहाँ पर ये लोग कबूतर को रखते हैं। यहाँ पर इन लोगों को बताना है कि कोई कोबरा आकर घुस गया है और उसने 3 कबूतर के बच्चों को मार दिया। ये जो घर के ऑनर है, जिन लोगों ने हम लोग कॉल किया था, तो ये पूरी देखभाल करते हैं इन कबूतर की। और सबसे बड़ा कहना चाहिए कि इन कर्म का फल ही है कि इनकी आज जान बच गई, क्योंकि जब ये इसके अंदर गए थे, क्योंकि इसके यहाँ पे भागने कोई जगह नहीं है। अब देख सकते हैं ये छोटी सी जगह है, और जब ये अंदर चेक करने के लिए गए हैं तब तो यहाँ ऊपर में सांप बैठा हुआ था। और सडनली ही इन्होंने जब समझ में नहीं आया इनको सांप, तो इन्होंने खींचने की कोशिश की और इनकी जान बच गई, क्योंकि जिस हिस्से पर ये थे वहाँ फेस वाला हिस्सा था और अगर ऊपरी हिस्से पे सांप काटता है तो बचने के चांसेस 90% कम हो जाते हैं। तो चलिए भोलेनाथ जी का नाम लेकर इस रेस्क्यू को हम लोग स्टार्ट करते। बोलिए जय भोलेनाथ, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी काम करने की जगह नहीं है। दोस्तों देखिए कितना कंजेस्टेड प्लेस है, कबूतर के पिंजरा है, एक बनाया है रूम सा, और वहीं पर सांप है और आमने सामने है। दोस्तों यहाँ पर मुझे ना प्रॉपर खड़े होने की जगह है और बिल्कुल मेरे मुंह के फेस टू फेस पर ही सांप है। और ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल मेरे फेस के सामने वाला सिचुएशन है। और देख सकते ये कबूतर का बच्चा है जिसको मार दिया है। इसके अलावा और दो कबूतर के बच्चे है जिनको मार दिया गया है। मचा के अपने आपको, यहाँ पे स्टिक भी काम नहीं कर रहा है ना। लकड़ी मंगलो स्टिक, पतला छोटा सा लकड़ी दीजिए भैया स्टिक, वहाँ प्रॉपर घुमाने का जगह भी नहीं है, और अपना फेस बचा के। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को यहाँ पर ये लग रहा है कि नहीं बाहर से काम हो सकता था, तो यहाँ पर बाहर से काम करने का कोई सिचुएशन नहीं था, क्योंकि सांप नजर ही नहीं आ रहा था। जब तक अंदर नहीं आती मुझे काम करते बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाइट का सिचुएशन मेरे साथ ज्यादा बना हुआ है। और सोचिए जो यहाँ के ऑनर काम कर रहे थे यहाँ पर, उनके साथ अगर होता तो क्या सिचुएशन। चेहरा बचा के, ये
खुली जगह है ना। दोस्तों आपने रेस्क्यू बहुत देखा होगा, लेकिन ऐसा रेस्क्यू इतना कंजेस्टेड प्लेस पे जहाँ आदमी को चेहरे पे अटैक हो सकता है, रेस्क्यूअर के चेहरे पे मार सकता है, तो हमको हर सिचुएशन में काम करना पड़ता है। सबसे पहले हमारे पास कई साल का एक्सपीरियंस है और इसके नेचर को हम समझते हैं, हमारे पास प्रैक्टिस है, कोई जादू मंत्र विद्या नहीं है, बस एक्सपीरियंस के बेस पर काम करते हैं। तो यंग लड़के हमारी कॉपी ना करें, आरती जो काम कर रही है आपकी कल्पना से दूर है, और अपनी जान खतरे में डाल के इन घर वालों को और इन पक्षियों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दिए। देखिए छत देखिए इतना ही है बस, और सांप यहाँ पर है। क्या खींच के निकाल भी नहीं सकते इसको, जब स्टिक काम नहीं कर रहा ना यहाँ पर। हाँ खींचो स्टिक से। अब यहाँ पे मेरे स्टिक काम कर पा रहा है। भैया साइड हो जाइएगा ना। देखिए ये जो सिचुएशन था सबके लिए ये बहुत ज़्यादा डराने वाला सिचुएशन था, जान पर बात बन आती। और एक चीज़ जो ज़्यादातर लोग फ़ोन करके पूछते हैं हम लोगों से, ये स्पेक्टिकल कोबरा बहुत जहरीला सांप है। अब अगर ये इंसान को काटे चाहे जानवर को काटे, ट्रीटमेंट इक्वली होता है, एक जैसा होता है। जैसे इंसानों का एंटीवेनम देना पड़ता है, वैसे ही जानवरों को भी एंटीवेनम देना पड़ेगा, और उसी से ही उन जानवरों की जान बचेगी। तो जब भी हो सांप काटे आप प्लीज़ झाड़ फूँक के चक्कर में मत रहिए, हॉस्पिटल जाइए। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में किस कदर किस तरह से हमने रिस्क लेके काम किया, और एक चूक होता और जान चले जाती, अगर आरती को बाइट होता तो उसकी जान नहीं बचती। तो आप लोगों को लगता है कि हम डिज़र्व करते हैं, तो प्लीज़ हमारा चैनल यूट्यूब में जो है कमल चौधरी के नाम से उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ऑल करिए, और साथ ही लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, तो लगेगा कि आप हमारे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और अब तक मैंने अपनी लाइफ में बहुत रेस्क्यू किए हैं, लेकिन ये रेस्क्यू वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस। दोस्तों देखिए अभी जस्ट हमने एक कोबरा को जो आरती रेस्क्यू की थी कबूतर के पिंजरे से, और एक कोबरा जो हमने बिलासपुर से 35 किलोमीटर दूर अभी जस्ट रेस्क्यू किए हैं, तो इसे सुरक्षित जगह देख के देखिए, यहाँ ताल सा है, पानी सा है, जहाँ इंसान नहीं आता है, ऐसी जगह पे हम छोड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं।